तो मुझे ना बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि मासी हम भी क्राफ्ट करना चाहते हैं, हमें भी शुरू करना है, तो आप हमें एक लिस्ट बना के दे दो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम खरीद के लेके आएँ ताकि हम भी हमारी क्राफ्ट जर्नी शुरू कर सकें। तो यार देखो, ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ बहुत सारे सामान होने चाहिए, आपको कुछ शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी आप क्राफ्ट कर पाओगे। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि आप बस एक्रेलिक कलर्स ले आओ या फिर आप चॉक पेंट्स ले आओ, बस अगर आपके पास इतना है तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। और बहुत सारे मार्केट में डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं बट आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर पेपर है ना, तो आप उससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। आप खुद अगर अपने घर पे ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे मैगजीन के कवर या फिर शादी के कार्ड्स या बहुत सारे जैसे मिठाई के डिब्बों पे जो कवर होता है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर पे ही मिल जाएंगी जो कि आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको उसके लिए बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी लंबी भूमिका जो मैंने बना दी है उससे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि आज हम पेपर का यूज़ करके कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जब मैंने पेपर से DIY बनाने का आइडिया सोचा तो सबसे पहले मुझ जैसे इंसान के दिमाग में क्या आएगा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि मैं शादी के कार्ड यूज़ करूं हमेशा की तरह। बट जब मैं अपने शादी के कार्ड वाला ये झोला लेके आई तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार इस कार्ड पे कितना अच्छा प्रिंट बना हुआ है। ये टाइल प्रिंट है जो कि इस तरह के टाइल प्रिंट वाले डेकोरेटिव पेपर आपको मार्केट में या फिर अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो ये फ्री में मिल रहे थे और इतने टाइम से मेरे पास रखे थे और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी इसके ऊपर। बट आज जब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया तो सबसे पहले मैंने सोचा इसको यूज़ करती हूँ। तो आज बेसिकली हम कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाएंगे और ऑर्गेनाइज़र्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो बनाने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, इस तरीके से डेकोरेट करूँ कि उसका वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे इस डिब्बे का जो ऊपर वाला पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है क्योंकि मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जो ऊपर से खुला हो। अगर आपको ऐसा मतलब ऊपर से बंद वाला ऑर्गेनाइज़र चाहिए तो आप इसको ऊपर से काटिए मत, एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। मतलब कि जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा बॉक्स ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही बॉक्स चाहिए था ऊपर से खुला हुआ, मतलब इसको हम बाद में ढक्कन लगाएंगे बट वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ढक्कन होगा। तो अब इस झोले में से, मैं इसको झोला क्यों बोल रही हूँ, तो अब मैं इस पेपर बैग में से ये सारे प्रिंटेड जो टाइल्स थे ये वाले मैंने सारे पीसेज अलग अलग करके कट कर लिए हैं और अब मैं इसको मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से एक एक करके इन टाइल्स को यहाँ पे चिपका रही हूँ जिससे बिल्कुल टाइल इफेक्ट आए। और मॉड पॉज ग्लू नहीं है तो आप सिंपली फेविकॉल से स्टिक कर सकते हो, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि आप फेविकॉल से ही स्टिक करो क्योंकि मैं इसको चिपका रही थी तो ये अच्छे से चिपक ही नहीं रहा था क्योंकि शायद थोड़ा मोटा वाला पेपर था इसलिए। तो मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा यार कि मैं कुछ भी करती हूँ बट लास्ट में मैं आके फेविकॉल पे ही आ जाती हूँ, मैं हर चीज़ उसी से ही चिपका देती हूँ क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और उसी से चिपकाई हुई चीज़ें सबसे अच्छी मेरी चलती हैं। तो खैर अब मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे डेकोरेशन कर लूँगी और ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ऑर्गेनाइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो क्यों है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको मैं वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगी। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं कि मानसी कुछ इजी चीज़ें बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो बच्चे भी बना सकें, तो इसलिए आई थिंक मैंने थोड़ा इजी प्रोजेक्ट चुना है। और इजी प्रोजेक्ट चुनने का एक और रीज़न ये भी था कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। इजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे परमानेंट पेंस का यूज़ किया है, कलर का यूज़ नहीं किया है, वरना अगर आप चाहें तो एक्रीलिक कलर से भी ये सारी जो पेंटिंग है पैटर्न वगैरह जो मैं बना रही हूँ वो उससे भी बना सकते हैं, बट क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना था इसलिए मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया। और ये परमानेंट मार्कर फाइन टिप मार्कर हैं जो कि कैमल के हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मेरी जो भी कहानी है वो मैं कंटिन्यू करूंगी, उसके लिए आप वीडियो पूरा देखना, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो जब इसका ढक्कन मैं बना रही थी तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मेरे पास दो शादी के कार्ड्स थे, एक तो ये ऑरेंज और एक ये गोल्डन वाला। बट फिर मैंने देखा कि ऑरेंज वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा था ग्रीन के साथ, तो मैं गोल्डन वाला यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमने ढक्कन कट कर दिया था पहले उसको मैं कुछ इस तरीके से कवर कर दूंगी शादी के कार्ड को ही यूज़ करके। तो इस तरीके से हमें उस पर पेंट भी नहीं करना पड़ेगा और ये हमारे बॉक्स के साथ मैच करें, उसके लिए हम बाद में इसमें थोड़ी सी कारीगरी भी कर देंगे। एंड आप सोच रहे होगा कि पहले मैंने ढक्कन को हटाया, अब मैं फिर से ढक्कन बना रही हूँ। तो मुझे ना खुला हुआ सा एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसका जो ढक्कन हो वो कॉम्प्लिकेटेड था, वो थोड़ा ढक्कन इसका मतलब उसको बहुत मुश्किलों से बंद करना होता था। तो मुझे ऐसा चाहिए था जो काफ़ी हैंडी हो क्योंकि मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है जो मुझे बार बार यूज़ में आती हैं।
तो मैं ऐसा ढक्कन चाह रही थी कि मैं उसको सिंपली हटा के वापस से रख सकूँ। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढक्कन मुझे नहीं चाहिए था। वो सारी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए मैं इसका ढक्कन ऐसे सिंपल सा बना रही हूँ। मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब ढक्कन के ऊपर मैं एक थोड़ा सा डेकोरेटिव हैंडल भी बना रही हूँ ताकि अच्छा लगे। आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। मतलब इसका टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस डेकोरेशन पर्पज़ के लिए और अच्छा लगेगा इसलिए मैंने बनाया है। और टेक्निकलिटी की बात तो मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा साइंस प्रोजेक्ट सिखा रही हूँ। तो खैर, अब ढक्कन जो है वो हमारे नीचे वाले बॉक्स के साथ मैच करे। वैसे तो मैच कर रहा था क्योंकि नीचे भी गोल्डन कलर हमने काफ़ी यूज़ किया था और ऊपर भी गोल्डन कलर है, बट फिर भी थोड़ा और ज़्यादा मैच करे इसके लिए मैंने वही सेम कलर्स ऊपर भी यूज़ किए हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा मिरर्स के साथ डेकोरेट करके आप दिखा देते हैं इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए अगेन मैंने काफ़ी सुंदर सा बॉक्स लिया है। तो मेरे पास जो भी ऐसे अच्छे वाले बॉक्सेस कहीं से भी आते हैं ना, किसी की पैकेजिंग्स में ही आते हैं, तो वो मैं हमेशा रख लेती हूँ। आई थिंक आप भी ऐसा करते होगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरी और आप लोगों की थिंकिंग काफ़ी मिलती है। हम सब एक जैसे ही हैं और कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि मुझे आप लोग कमेंट करके बताते भी हो कि हाँ मानसी हम भी ऐसी कबाड़ इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि है ब्लू, और बीच में मैंने मेटेलिक ब्लू यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है क्योंकि ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि कभी कभी मेटेलिक कलर्स भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना फिर ये रखे रखे सूख जाएंगे। तो आज पूरे वीडियो में मैंने एक्रीलिक कलर्स और चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं, और जो भी चॉक पेंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मैंने क्राफ्टोलॉगर से परचेज़ किए हैं। ये मेटेलिक ब्लू चॉक पेंट भी क्राफ्टोलॉगर से ही है। एंड अगर आप क्राफ्टोलॉगर से कुछ भी परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड MANSI05 यूज़ कर सकते हो, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिब्बे को हम अच्छी तरीके से पेंट कर लेंगे, और क्योंकि जैसे कि हमारी आज की थीम है पेपर डेकोरेशन, तो अभी हम अपना पेपर से ही इसको डेकोरेट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी नई नवेली ड्रीम कट मशीन, एंड यहाँ पे मैं ये फ्लोरल प्रिंट वाला डाई यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली इस मशीन का काम ये होता है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट पेपर कट करके देती है अलग अलग डिज़ाइन में। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वो वाला डाई आपको यूज़ करना होता है, और उसी शेप का फिर आपको पेपर कट करके मिल जाता है। और पेपर ही नहीं, इसके अलावा आप ग्लिटर शीट, फोम शीट या कोई भी डेकोरेटिव पेपर आप इसमें कट कर सकते हो। और कट करने के अलावा आप इसमें एम्बॉसिंग भी कर सकते हो। उसका ट्यूटोरियल मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, बट फिलहाल हम अपना पेपर कट कर लेते हैं। एंड आप देखो, एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट होके निकला है। अब इसी तरह से मैं दूसरी डाई यूज़ करूँगी और उससे भी मैं कई इस तरह के पेपर्स को कट कर लूँगी। तो ये ड्रीम कट मशीन मुझे इट्सी बिट्सी से आई है, और अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड MANSI05 यूज़ कर सकते हो, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब इसको चिपकाने के लिए मैं अगेन मॉड पॉज ग्लू यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि पेपर जो था वो काफ़ी पतला था तो आराम से मॉड पॉज ग्लू से चिपक जाएगा, और ऊपर से भी हम एक बार मॉड पॉज ग्लू लगा देंगे। तो चलो अब मैं अपनी कहानी कंटिन्यू करती हूँ। तो बेसिकली मुझे आपको ये न्यूज़ देनी थी कि आप सबको पता है मैं खुर्जा में रहती हूँ, बट अब हम खुर्जा में नहीं रहेंगे क्योंकि हम न्यू सिटी में मूव कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, अभी नहीं बताऊँगी, बट हाँ इतना जान लो कि हम नई सिटी में जा रहे हैं, और जल्दी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि मोहित का हो गया है ट्रांसफ़र। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैंने ये वीडियो पता नहीं किस तरीके से जैसे तैसे भागते दौड़ते कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीक भी आई थिंक पूरा इसी तरह भागा दौड़ी में जाने वाला है। मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट वीक का वीडियो अभी कैसे बनाऊंगी, एंड क्योंकि मुझे लखनऊ भी आना था तो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के जैसे तैसे वीडियो कंप्लीट की हूँ, उसके बाद मैंने पैकिंग वगैरह की है, और तब मैं लखनऊ के लिए हम वहाँ से दोपहर में निकले थे। पूरा दिन हमने ट्रैवल किया, रात को 12 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, और अब मैं बस 4 घंटे की नींद लेके सुबह 5 बजे उठ गई हूँ एडिटिंग करने। एडिट करके मैं अब तुरंत फटाफट से वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जैसे ही वॉइस ओवर ख़त्म होगा उसके बाद मुझे थंबनेल वगैरह और डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें करनी है, और उसके बाद मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। मतलब अभी तो आप ये वीडियो बड़े नॉर्मल तरीके से देख रहे हो, लेकिन इतनी ज़्यादा इसके पीछे हसल हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखो बातों बातों में हमारा ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो गया।
बहुत ही क्यूट और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, तो मेरे पास बहुत सारी स्क्रंचीज़ हेयर टाइज वगैरह हैं, तो उसको एक जगह रखने के लिए मुझे एक वो चाहिए था ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि वो सारी घर में इधर उधर बिखरी रहती थी। तो ऐसा एक डिब्बा था, और ऐसा सबके घर में कोई ना कोई डिब्बा होगा जिसमें ऊपर ऐसा हैंग करने के लिए एक हुक टाइप का लगा रहता है, तो वो मैं यहाँ पे डिब्बा यूज़ कर रही हूँ। इसके मैंने ऊपर से सारे पार्ट कट कर दिए हैं, बस वो हुक नहीं कट किया है जहाँ से हमें इसको हैंग करना है। और इसके साइड में आप देखोगे एक ट्रांसपेरेंट सी शीट लगी हुई है, तो वो मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, उसके ऊपर नहीं पेंट करूंगी, ताकि इसके अंदर हमें जो भी रखी हुई चीज़ है वो बाहर से ही दिख जाए। तो अगेन मैं क्राफ्टोलॉगर के मेटेलिक चॉक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल विंटेज लुक देने के लिए मैं इस पर हल्का हल्का सा ग्रे कलर से शेडिंग कर दूंगी। अब अगेन डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर्स, तो मेरे पास यहाँ कुछ वेडिंग कार्ड्स थे जिसमें ऐसे कटआउट्स बने होते हैं, तो वो मैं ले रही हूँ। तो इसमें से एक ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया है और इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका लूँगी ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, और फिर हम स्पॉन्ज की हेल्प से इसको डैब डैब करते हुए कलर को ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ जी, तो मैं अपनी कहानी फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी पता नहीं क्यों ये अपनी कहानी सुनाने में पड़ी है। वीडियो ख़त्म करते ही हम यहाँ से निकल लेंगे और हम जाएंगे उस न्यू सिटी में जहाँ हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ जाके मकान वगैरह ढूंढेंगे, फाइनल करेंगे, फिर वो करने के बाद हम वापस लखनऊ आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे वापस खुर्जा और वहाँ पे हम सारी पैकिंग वगैरह करेंगे, सारा सामान न्यू सिटी में शिफ्ट करेंगे जो कि 600-700 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और नए घर में पूरा घर सेट करने के बाद उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा वापस से DIY बनाने का। तो मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट वीडियो अभी कैसे बनाऊंगी इतनी सारी हसल के बीच। तो चलो, इसी के साथ बारी आ गई है फाइनल लुक देखने की। आपको आज के आइडियाज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने बनाए हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऑर्गेनाइजर ही बनाओ, आप इस तरीके से और भी कई चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से पेपर को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स बना सकते हो, या कोई और भी चीज़ आपको अगर डेकोरेट करनी है तो इस तरीके से आप पेपर से उसको डेकोरेट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ वो आप तक पहुँच जाए। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।